Actor Sunil Shetty says it is a surprise when Bollywood is ignored in terms of recognition for the Bharat Ratna, the highest civilian award in the country for performance of highest order in any field. मेरा नजरिया यही है कि मैं मानता हूं कि अगर दो ही चीजें हैं जो इस देश को जोड़ती भी है, that is sport and Bollywood. तो हमेशा surprising रहा ही है, और ये सवाल हम भी बार-बार पूछते हैं. बहुत सारी सवाल पूछते हैं हम, यू नो, फ्रॉम अ रिकग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री को रिकग्नाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी लगे हैं, कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकलेगा इसमें, और आई एम श्योर कि अच्छा सॉल्यूशन ही निकलेगा. सुनील शेट्टी वॉज प्रेजेंट एट अ रेसलिंग कॉम्पिटिशन वेयर इंडियंस एंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रेसलर्स आर पार्टिसिपेटिंग. ही फील्स दैट रेसलिंग इज अ स्पोर्ट व्हिच शुड बी प्रमोटेड इन अ बिग वे. मैं पर्सनली मानता हूँ कि रेसलिंग एंड हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है, ना कि क्रिकेट. ऑफकोर्स बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, लेकिन यू नो, ऐसे ही अगर इस स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाए तो बेहतर ही होगा, इंडिया के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि हर ओलंपिक्स में और हर एशियन गेम्स में अगर हमें मेडल मिलता है तो ज़्यादा करके रेसलिंग के लिए मिलता है. फिर भी हम मानते हैं कि रेसलिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट आई थैंक माई फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग द स्पोर्ट. There were no Bharat Ratna awardees this year as well, the last having been given in 2008 to Pandit Bhimsen Joshi. Till date, filmmaker Satyajit Ray in 1992 and singer Lata Mangeshkar in 2001 have been the only Bollywood personalities to have been awarded the Bharat Ratna. Anamika Saxena, IANS.